हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लर्न फॉर आईएएस में। और आज हम देखेंगे टर्की एंड पाकिस्तान जो दोनों मिलके इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को चैलेंज करना चाहते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी का फॉर्म जो कि 2 फरवरी को आ रहा है और 2 फरवरी से वो 22 फरवरी तक रहेगा, इसके बीच आप फॉर्म भर लीजिएगा ताकि आपको सेंटर सही मिल सके। और इस न्यूज में देखते हैं इंडिया एंड टर्की, एक्चुअली में दोनों का राइवलरी क्यों चल रहा है आपको ये पता होना चाहिए। बिकॉज टर्की जो है इस इस्लामोफोबिया को अभी बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर रहा है, उसके लिए उसे साथ चाहिए पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए इंडिया को बार बार चैलेंज करता रहता है पाकिस्तान के साथ मिल करके। तो अभी आपने उसका हाल देखा था कि टर्की का क्या हुआ था, वो एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ चले गए। तो इस न्यूज के साथ टर्की ने ये चाहा है कि पाकिस्तान के साथ मिल करके वो अपने स्पेस एजेंसी को एक नए मुकाम तक ले जाएगा। टर्की के पास ऑलरेडी आपको पता होगा उसके जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो काफी अच्छे हैं उनके पास, बट उन्हें लॉन्च करने की सारी तकनीक नहीं पता, जो कि इंडिया उनसे बहुत आगे है इसमें। अब आप इस न्यूज में देख सकते हैं पाकिस्तान स्पेस एजेंसी स्प्रैको, आपने ये नाम सुना है स्प्रैको, ये एक्चुअली पाकिस्तान का है जो कि इंडिया और चाइना दोनों से पहले आया था, और अभी इसकी एग्जिस्टेंस किसी को भी पता नहीं है। इवन कुछ पाकिस्तानी भी सोचते होंगे कि स्प्रैको एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन ये बीट करना चाहते हैं इसरो को। ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, बिकॉज इसरो को बीट कर पाना एक मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि ये नियरली आफ्टर 50 ईयर्स में ऐसा कुछ कर पाएंगे। अब ये स्प्रैको है, इसको टर्की हेल्प किस तरह करना चाहता है, इसको ये दो तरीके से चाहते हैं। वहां से पहले मेन पावर जो ब्रेन ड्रेन है वो यहाँ से सही से कर पाए पाकिस्तान से टर्की के थ्रू, और दूसरा जो है वहां से वो कुछ इन्वेस्टमेंट उसको मिल जाए। तो इन दोनों वजह से टर्की पाकिस्तान को वैल्यू दे रहा है स्पेस प्रोग्राम। अब देखिए पाकिस्तान स्पेस को जो है वो तुर्किस एयरस्पेस को ज्वाइंटली डेवलप करने वाला है, ये भी आप न्यूज में देख सकते हैं, ये कोई बनाई हुई न्यूज नहीं है, और ये एशिया के न्यूज में बहुत प्रोमिनेंट अभी चल रही है। और जबकि बहुत सारे मैक्सिमम कंट्रीज आप देख रहे हैं खुद से एक बड़े स्पेस प्रोग्राम को खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वो अब अलायंस बना रहे हैं ताकि वो स्पेस प्रोग्राम में आगे जा सके। बिकॉज स्पेस वॉर आपने देखा था जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था, उसके बाद इंडिया भी स्पेस वॉर में ज्वाइंटली वो डेवलप कर रहा है, और इंडिया खुद का अपना इवेंचुअली आपने देखा था कि हमने स्पेस में मिसाइल को डिस्ट्रॉय भी किया था। तो इन सब के साथ हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूड हो गया है, और हर एक कंट्री चाहती है कि उसका स्पेस में अपना पावर हो, अपने मिसाइल्स हो और अपनी एबिलिटी हो, ताकि वो खुद से मिसाइल डेवलप कर सके और सही से स्ट्रेटेजिकली उसका फायदा उठा सके ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब देखिए इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी, ये एग्रीमेंट हुई है तुर्किस एरो स्पेस के साथ। अब ये पाकिस्तान स्पेस एंड अपर रिसर्च कमीशन स्पार्को का फुल फॉर्म है, और ये तुर्किस एरो स्पेस इंडस्ट्री TAI ये दोनों मिलकर के ये डेवलप करना चाहते हैं, और इस एग्रीमेंट का उन्होंने नाम लिखा है विद इन द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट। सो इनका विद इन द स्कोप ऑफ एग्रीमेंट कहां जाएगा पता नहीं, बट ये होते होते हो सकता है 2025 या 2030 इनको लग जाए एक सही से कोलैबोरेशन आने में। फिलहाल इन्हें 3-4 साल तो लग ही जाएंगे जॉइंटली किसी भी चीज को कोलैबोरेट करके सामने लाने में, बिकॉज पाकिस्तान स्पेस एंड अपर रिसर्च कमीशन जो है बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, बिकॉज पॉलिटिकल विल पाकिस्तान की ओर से बहुत ही नीचे कर चुकी है। अब ये ऐसा क्या गलत हुआ जो स्पार्को इतना नीचे चला गया इंडिया और चाइना से पहले आने के बाद भी, ये समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज 1961 में जब ग्लोबली ये चल रहा था कि स्पेस में जाएंगे हम, वहां पे जाकर के अपने सैटेलाइट्स बनाएंगे, तब यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत ही अच्छे लीडर को चूज किया था जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, और सेम ईयर USSR ने फर्स्ट मैन स्पेस सेंड किया था। तो उसी के बाद आपने देखा था यूएसए ने बहुत ही ज्यादा आगे चढ़ करके अपने स्पेस प्रोग्राम को डेवलप किया, और इंडिया उस समय 3rd 5-year plan में था, तो इंडिया में इस चीज की कोई चर्चा नहीं थी। डॉक्टर होमियो बाबा ने 1966 में जाकर के इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया था कि हमारा स्पेस एजेंसी अपना होना चाहिए। तो अब वहां पाकिस्तान में 1961 में एक इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ देयर इंडिपेंडेंस उन्होंने पाकिस्तान जो एक फिजिसिस्ट थे अब्दुस सलेमान, ये इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे आयूब खान से उनसे इजाजत मांगी और नेशनल स्पेस एजेंसी इन पाकिस्तान NSAP का स्टार्ट किया।
अब इसको स्टार्ट करने के बाद उन्होंने चलाया और काफी आगे तक वो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की जो रिलीजन है वो उनके बीच आई। वो बोलते हैं ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और पाकिस्तान स्पेस एजेंसी को बहुत ही ज्यादा डंप कर दिया। एक्चुअली में जो फिजिसिस्ट है अब्दुल सलेमान, वो एक अहमदिया कम्युनिटी से है। अहमदिया कम्युनिटी जो है उनको पाकिस्तान में डिग्रेड किया जाता है, बिकॉज उन्हें ये बोलते हैं कि आप लोअर सेक्ट से हो तो आपके ऊपर नहीं उठा जाएगा। तो इसी कारण से उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उनके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को भी नीचे ढकेल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के थॉट्स किस तरह हैं, और इस तरह से वहां पे साइंटिफिक माइंड डेवलप नहीं हो पाई। बट ऐसा अगर हो पाता कि साइंटिफिक माइंड डेवलप हो जाता तो आज शायद इंडिया के लिए भी ये बहुत अच्छा होता, बिकॉज वहां के लोग थोड़े रैशनली सोच पाते हैं। अब देखिए अब्दुल सलेमान जो है ये फाउंडर है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और उन्होंने ये स्टार्ट किया था। रिसर्च का भी उन्होंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था, और जबकि इंडिया ने इस चीज को प्लान भी नहीं किया, आप सोच लिए उस टाइम पे। और उनके लिए अहमदिया सेक्ट होने पे उन्हें एग्जाइल में रखा गया, उन्हें पाकिस्तान से भगाया गया, उनके प्रोग्राम्स को फॉलो नहीं किया गया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, वो पहले मुस्लिम बंदे हैं जिनको एक्चुअली में नोबेल प्राइज मिला है साइंस में, और दूसरे सिर्फ नोबेल मुस्लिम ब्रदरहुड में पूरे के पूरे वो हैं जिन्हें वो नोबेल प्राइज मिला हो। तो इससे आप उनकी आप एबिलिटी सोच सकते हैं, पर पाकिस्तानियों ने सच में ये बहुत बुरा किया उनके साथ। अब उसके बाद 1990s के बाद इन्होंने थोड़ी कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद एडिक्वेट फंडिंग नहीं दी उन्हें, ना ही पॉलिटिकल विजन कुछ दिखाया। इसके वजह से सब कॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट होने के बाद भी वो गोल्ड नहीं बन पाए, इवेंचुअली मैं तो बोलूँ वो कॉपर के लायक भी ना रहे। जो अब्दुल सलेमान थे, जो फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और ओनली सेकेंड मुस्लिम थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और वो क्यों नहीं कर पाई और उनका पूरा का पूरा क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज पहले तो अहमदिया सेक्ट से थे इसलिए उनके प्रोग्राम्स को नेगलेक्ट किया गया। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। इन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि हम न्यूक्लियर बम और एटॉमिक बम कैसे बनाए ताकि हम इंडिया के ऊपर अटैक कर सके। तो इसीलिए उन्होंने सारा फंड जो था अपने नेशनल स्पेस प्रोग्राम का वो इधर डाल दिया था ताकि वो इंडिया को काउंटर कर पाए। अब जहां पे रिलीजन और मिलिट्री रूल चलेगा और बार बार तानाशाह गवर्नमेंट आकर के अगेंस्ट इंडिया बोलेगी, तो आप सोच सकते हैं वहां का डेवलपमेंट कहाँ जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान का स्पेस डेवलप नहीं हुआ था। अब टर्की चाह रहा है कि उसे एक अलग लेवल पे ले आके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। सो आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊंगा।